रचना का शीर्षक है मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती है, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं, तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की, होती दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात विषयांतर होकर किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं, वाह मजा आ गया, फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं, तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों, बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। ये अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है, सुनने वाले प्रेरित हो खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता, वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती है, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं, तो फिर आपकी अलग बात है। बहुत 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 बढ़िया।